दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग, वेल्कम बैक टू माय चैनल। मैं सेल्फ सुब्रत सरकार फ्रॉम कोलकाता। दोस्तों ECHS बिल क्लेम जो NA मेडिसिन लेते हैं, जिनको ALC के द्वारा प्रोवाइड नहीं किया जाता है, तब जब NA सर्टिफिकेट के अगेंस्ट में बाजार से GST बिल लेके जो परचेज करते हैं, वो लोग जब क्लेम सबमिट करता है, उसके लिए मैं एक एपिसोड पहले ही बना रखा हूँ, उसमें डिटेल्स मैंने बता रखा हूँ। अभी तक जो लोग उस एपिसोड को नहीं देखा उनके लिए भी बताऊंगा, और जो लोग देख लिया है उनमें से बहुत सारे लोग बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उस रिगार्डिंग। तो आज का डिस्कशन होगा जो ECHS बिल क्लेम का जो प्रॉब्लम्स है वो सोल्यूशन क्या है। तो चलिए आज के एपिसोड शुरू करते हैं, लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। ECHS बिल क्लेम के बारे में पहले ही जो एपिसोड मैंने डाल रखा हूं इसी चैनल में आपको मिलेगा, जो लोग नहीं देखा है ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक प्रोवाइड करूंगा, उसका पूरा देखिए। पूरा देखने के बाद आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि ECHS में NA सर्टिफिकेट के अगेंस्ट में आप मेडिसिन परचेज करके रीइंबर्समेंट के लिए क्या क्या स्टेप वाइज कार्रवाई करना है। तो बहुत सारे लोग जो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिखता है कि कोई इंफॉर्मेशन गलत ऐड हो गया, या कोई अपलोड कुछ सर्टिफिकेट का जगह पे कुछ और कर दिया, उसको डिलीट और कैंसिल नहीं कर पा रहे, उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बताऊंगा, उसको छोड़ दीजिए, उससे बाहर आ जाइए, फिर दोबारा नया तरीके से फिर क्लेम को सबमिट करिए। सिर्फ पहले जो गलत क्लेम हुआ था उसका क्लेम ID को नोट करके रखिए, दोबारा फ्रेश नए तरीके से फिर क्लेम को सबमिट करिए। स्टेप बाय स्टेप सही सही करना, जो गलती हो गया तो गलती दोबारा नहीं करना। जो जो चीज अपलोड करना है, पहले जो एपिसोड है उसको देखने से आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा समझ में आ जाएगा। जो अपलोड करने वाला 5 चीज होता है, जो फर्स्ट में होता है आपका ECHS कार्ड, सेकेंड प्रेस्क्रिप्शन स्लिप, थर्ड NA सर्टिफिकेट जो ECHS से प्रोवाइड किया जाता है, बिल GST, बिल विद GST नंबर, एंड फाइनली कैंसिल चेक, जिसका अकाउंट नंबर वगैरह देंगे उसका कैंसिल चेक एक अपलोड करना होता है। उसके बाद जब फाइनली आप सबमिट करेंगे लास्ट में, तो जाके एक क्लेम ID के साथ एक कंटीजेंट बिल जनरेट होगा। वो कंटीजेंट बिल को अगर मोबाइल में कर रहे हैं तो उसको स्क्रीनशॉट लीजिए या डाउनलोड कर लीजिए, उसको भी प्रिंट निकालना है। पहले एपिसोड में मैंने क्लियर बताया कि वो 5 डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड किया प्लस जो कंटीजेंट बिल आपको मिल रहा है इसमें से, उसको प्रिंट निकालना है, तो 6 डॉक्यूमेंट्स होगा। उसको 2 सेट बनाइए, 2 सेट बना के आप ले आइए ECHS में। ECHS में ले आके आपको फिजिकली क्लेम सबमिट करना होगा, जो आप ऑनलाइन कर दिए हैं तो उसको चेकिंग होगा और उसको अप्रूवल दिया जाएगा, अप्रूव किया जाएगा, तो आपका जो अमाउंट है वो आपका अकाउंट में रीइंबर्समेंट होके आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और ये बहुत सारे लोग बोलते हैं पैसा नहीं आता, ऐसा नहीं है दोस्त, 1 से 1.5 महीने के अंदर भी बहुत लोगों का पैसा रिसीव कर चुका है, वो लोग आके रिपोर्ट देते हैं ECHS में। तो दोस्त ये सारे जो प्रोसेस है इसको ढंग से करना है, सही सही करना है। इसमें अभी एक नया ऐप भी निकला है ECHS बेनिफिशियरीज के लिए, एक नया ऐप आया है मोबाइल के लिए, उससे बहुत कुछ हम फायदा ले सकते हैं, उसमें लाभान्वित हो सकते हैं, अगर उसके बारे में जानकारी प्रॉपर ले तो। अगले एपिसोड में मैं उस एप्लीकेशन के बारे में ही थोड़ा सा डिटेल्स बताऊंगा। जो लोग अभी तक मेरा चैनल का साथ नहीं है, दैट मीन्स सब्सक्राइब नहीं किया दोस्त, जरूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जो भी जरूरत का चीज है, जो मुझे लगता है कि सबके साथ शेयर करना चाहिए, जो आपको डाउट्स होता है कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं डिस्कस करता रहता हूँ टाइम टाइम पर। तो आज के लिए ये छोटा सा एपिसोड यहीं एंड करता हूँ। जिसको जो भी प्रॉब्लम होगा, अच्छा एक चीज और बताना भूल गया था, जो पहले गलत क्लेम था वो जब दूसरा फ्रेश क्लेम सबमिट करने के लिए आएंगे तो वो गलत क्लेम ID देके उसको कैंसिल किया जा सकता है।
आप ECHS में आके ऑफिस में बताइए, वो पिछला जो गलत क्लेम था वो कैंसिल हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के एपिसोड यहीं एंड करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।